वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में आज से हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्लेइंग विद नंबर। अब इस लेसन में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, किस तरह से एग्जांपल्स आएंगे, जैसे कि आपको नंबर दिए 952 और 259 और कहा है कि इन दोनों के डिफरेंस को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा। अब इसको इसमें आप इसको सबट्रैक्ट करके उसको डिवाइड करके आंसर फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें विदाउट कॉम्पिटिशन करना है, बिना किसी कैलकुलेशन के हमें इसे सॉल्व करना है। फिर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे 79 और 97 के अगर सम करो और उसके आंसर को अगर 11 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन कितना आएगा, ये भी हमें विदाउट कॉम्पिटिशन से यानी विदाउट कैलकुलेशन से करना है, कोई कैलकुलेट नहीं करना है। फिर है जैसे 79 और 96 इन दोनों के सम को अगर 16 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आएगा, इसको भी हमें विदाउट कॉम्पिटिशन करना है। इस तरह से बहुत से अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हम आज देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ जनरल बातें सीखनी है, इसका जो बेसिक नॉलेज है उसको हमें पहले सीखना होगा। सो फर्स्ट वी विल सी जनरल फॉर्म ऑफ द नंबर्स। अब ये किसी भी नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, चलो एक टू डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 23। अब 23 को अगर आप एक्सपॉन्ड करोगे सो यू विल गेट हियर 10 × 2 + 3। ओके, फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 35 लिया, 35 को एक्सपॉन्ड करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10 × 3 + 5। फिर मैंने लिया यहाँ पे मान लो 46 है, तो 46 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 10 × 4 + 6। तो हम क्या करते हैं कि 10 प्लेस का जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू में 1 प्लेस का डिजिट ऐड करते हैं इस तरह से। जैसे 57 लिया तो ये हो जाएगा 10 × 5 + 7। तो इस तरह से हम इस नंबर को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। अब इसका फॉर्म क्या होता है, जैसे ये टू डिजिट नंबर्स है 23, 35, 46 और 57, ऑल दीज आर टू डिजिट नंबर। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं, वो कैसा है। जैसे 10a + b, ये कैसे आया, अब ये और b कोई भी दो डिजिट मान लो, तो ये और b डिजिट से बनने वाली टू डिजिट नंबर होती है ab, ठीक है। तो ab इज इक्वल टू हो जाएगा 10a + b। अब हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स है टू डिजिट नंबर्स, इन नंबर्स को हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, यानी इसके डिजिट्स अगर रिवर्स किए तो नंबर बनती है यहाँ पे 32, यहाँ पे बनेगी 53, यहाँ पे बनेगी 64, यहाँ पे बनेगी 75। अब इनको एक्सपॉन्ड करो सो यू विल गेट हियर 10 × 3 + 2, इसको एक्सपॉन्ड करो तो 10 × 5 + 3, इसको एक्सपॉन्ड करो 10 × 6 + 4 और इसको एक्सपॉन्ड करेंगे तो 10 × 7 + 5, ठीक है। अब इसका जनरल फॉर्म क्या हुआ, हमारी नंबर थी ए बी, हमने क्या किया यहाँ पे डिजिट्स को इंटरचेंज करके नंबर बनाए टू डिजिट अलग से, उसी तरह से यहाँ पे ये जाएगा 1 प्लेस पे, बी जाएगा 10 प्लेस पे, तो डिजिट इंटरचेंज करने के बाद नंबर मिलेंगे हमें टू डिजिट की हो गई बी ए, और बी ए का अगर हम उसका जनरल फॉर्म करते हैं सो यू विल गेट 10 × b + a, दैट इज इक्वल टू हम इसको बोलते हैं 10b + a। सो दिस इज द जनरल फॉर्म। अब ये होता क्या है एक्चुअली जनरल फॉर्म, और इसको किस तरह से हमें समझना और इसका यूज कहाँ पे करना है वो अभी हम देखते हैं। नाउ वी विल सी नंबर पजल गेम। अब ये नंबर पजल गेम क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा है कि हमारे पास ए बी और बी ए, ये भी एक टू डिजिट नंबर है और इसके डिजिट्स रिवर्स करने के बाद हमें बी ए भी टू डिजिट नंबर मिलती है। तो हमने देखा है कि ए बी को हम लिख सकते हैं, यानी किसी भी टू डिजिट नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10a + b, और उसी नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलती है टू डिजिट की बी ए, इसको हम लिखते हैं 10b + a इस फॉर्मेट में। अब मान लो इसको इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। अब ये क्यों करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो सो LHS में LHS ऐड करो, RHS में RHS, सो यू विल गेट AB + BA इज इक्वल टू
इसकी एनर्जी एवरेजेस होगी 10a प्लस बी प्लस उसमें ऐड करो 10b प्लस ए दैट इज इक्वल टू। अब जो टर्म्स है ठीक है लाइक टर्म्स है उनको ऐड करो तो 10a प्लस ए ये हो गया 11a प्लस बी और 10b हो गया 11b। अब इन दोनों में से 11 को कॉमन निकालेंगे सो 11 कॉमन निकाला तो रह गया यहाँ पे a प्लस बी। अब इसका मतलब क्या हुआ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 11 इंटू ए प्लस बी। अब आप क्या करो 11 को एलएचएस में लिखे और नंबर वन हम क्या कहते हैं ए बी प्लस बी ए अपॉन 11 इज इक्वल टू इधर रह गया ए प्लस बी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक टू डिजिट नंबर लो और उसके उस टू डिजिट नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो टू डिजिट नंबर मिलती है वो लो। इन दो नंबर को अगर आप ऐड करोगे और उसको 11 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा जो टू डिजिट नंबर है उसके डिजिट की सम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिए 37 एक नंबर अब इसके डिजिट रिवर्स चेंज करो तो आपको मिलेगा 73। अब इन दोनों को ऐड करके 11 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसकी जो डिजिट है 3 और 7 उनका प्लस तो आंसर आ जाएगा 10। अब इसको चेक करो आप एक्चुअली में डिवाइड ऐड करो 7 प्लस 3 10 0 कैरी 1 7 प्लस 3 10 1 11 अपॉन 11 इज इक्वल टू हो गया 10। हमने चेक कर लिया अभी तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम टॉपिक देख रहे हैं। आपको अगर ये बतानी है और आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे है ना। उससे अच्छा क्या है इसको समझ लो कि एनी टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स ओके। अब उनके सम को अगर 11 से डिवाइड करो तो आंसर विल बी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू आपको इसमें से फिर से एक समझ में मिलता है क्या है वो। अब ये जो इक्वेशन है हमारा इसमें क्या करो ए प्लस बी को एलएचएस में लेके आओ यानी ए बी प्लस बी ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 11। अब इसको कैसे समझना है एक टू डिजिट नंबर लो और टू डिजिट नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके जो डिजिट्स मिलते हैं नंबर मिलती है उन दोनों के एडिशन को उसी नंबर के डिजिट के सम से डिवाइड करो तो जो क्वेश्चन आता है दैट इज 11। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से एक नंबर है आपको 56 और इसका डिजिट रिवर्स करके आता है 65 इसके एडिशन को 5 प्लस 6 11 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा तो क्वेश्चन विल बी 11। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे लिया मैंने 75 अब इसके डिजिट को रिवर्स करो तो मिलेगा 57 इनको एड करो और इसको 7 प्लस 5 12 से डिवाइड कर लो तो इसका भी आंसर आ जाएगा 11। सो दिस इज द दिस टू पॉइंट्स मतलब हमें इन दोनों को इस तरह से समझना है। अब नंबर पजल गेम में रूल टू क्या है। अब सबसे पहले हमने जो देखा था टू डिजिट नंबर का जनरलाइज फॉर्म ए बी टू डिजिट नंबर है तो ए बी इज इक्वल टू 10a प्लस बी ए बी को रिवर्स कर डिजिट को रिवर्स करके जो टू डिजिट नंबर मिलते हैं दैट इज बी ए सो बी ए इज इक्वल टू 10b प्लस ए। अब क्या करो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इनकी हम करते हैं सब्ट्रैक्शन सो यू विल गेट हियर ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 10a प्लस बी माइनस अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है बाइनोमियल को तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में ब्रैकेट 10b प्लस ए ठीक है। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे सो यू विल गेट 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए। अब जो लाइक टर्म्स है उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करो यहाँ पे 10a है यहाँ पे माइनस ए है तो इसका आंसर हो गया 9a और यहाँ पे देखो b माइनस 10b इसका आंसर हो गया माइनस 9b। अब दोनों में से 9 को कॉमन निकालो सो यू विल गेट 9a माइनस बी ठीक है। अब हमें इसी को ध्यान में रखना है यहाँ पे ठीक है तो इसमें से अब 9 को अगर आप ट्रांसपोज करते हो एलएचएस में सो यू विल गेट हियर ए बी माइनस बी ए अपॉन 9 इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक टू डिजिट नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो टू डिजिट नंबर मिलती है
उनके डिफरेंस को अगर 9 से डिवाइड करो तो जो क्वेश्चन आता है वो होता है डिजिट्स का डिफरेंस। एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, इसमें एग्जांपल क्या है, इसमें जैसे मैंने लिया एक नंबर 57 लिया, ठीक है। अब इसके डिजिट्स को रिवर्स करो तो नंबर मिलती है हमें 75। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो तो सब्ट्रैक्शन 75 माइनस हम करेंगे 57। अब इन दोनों को 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 9 से अगर डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आता है, जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, डिजिट्स का डिफरेंस। तो 7 माइनस 5 हो गया 2, तो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 2, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ये हो गया पहला। अब सेकंड, इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, नंबर 2 इज दैट कि अगर हम एक नंबर और उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलती है उनके सब्ट्रैक्शन को, यानी ए माइनस बी, सॉरी ए बी माइनस बी ए, इसको अब ए माइनस बी से डिवाइड करना है, इसको एलएचएस में लिखे आओ तो अपॉन ए माइनस बी होगा इज इक्वल टू क्वेश्चन आता है 9, ठीक है। यानी एक नंबर उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद मिलने वाली जो नंबर है, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को अगर उसी नंबर के डिजिट के डिफरेंस से डिवाइड करो तो क्वेश्चन आता है 9। एग्जांपल बताता है इसमें, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे हमने लिया जैसे 35 लिया मैंने, अब डिजिट को इंटरचेंज करके नंबर बनेगी 53, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को 53 माइनस 35 को इनके डिजिट के डिफरेंस से डिवाइड करो, डिजिट का डिफरेंस 5 माइनस 3 2 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 9। तो ये इतनी आसान बात हमें यहाँ पे समझनी है, व्हाट इट बेसिस ऑफ ऑल दिस रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन वी विल सी नाउ एक्सरसाइज 5.1 जो लिए मैंने कोडा के बुक से। तो क्वेश्चन 1 इज दैट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज फॉर्म, एक एग्जाम्पल है 85, इसको हमें जनरलाइज फॉर्म लिखना है। अब जनरलाइज फॉर्म क्या है, टू डिजिट नंबर का, जैसे ए बी नंबर है तो ए बी इज इक्वल टू होता है 10a + b, ये हो गया इसका जनरलाइज फॉर्म। तो 85 को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो 85 इज इक्वल टू 10 into a + 5, सो सिंपल, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर आपको कहा गया कि यूजुअल फॉर्म में लिखो, आपको जनरलाइज फॉर्म दिया यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो 10 6 60 6 हो गया और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बताया कि 6 यहाँ पे टेंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस पे लिया और ये यूनिट प्लेस पे, बट तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने 2 डिजिट का जनरलाइज फॉर्म लिखा, मान लो कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर जैसे a b c, ये एक 3 डिजिट नंबर है। अब आपको मालूम है कि इसमें 3 डिजिट है, ए इज एट 100th place, बी इज एट 10th place एंड सी इज एट 1th place। अब 3 डिजिट नंबर्स को अगर हम इंटरचेंज करें तो किस तरह से होगा और इसका जनरलाइज फॉर्म किस तरह से होगा, ये सभी अब हम देखेंगे। तो एबीसी अगर 3 डिजिट नंबर है तो उसको हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज एट 100th place, सो विल राइट इट एज 100a + बी इज एट 10th place, सो विल राइट इट एज 10b + सी इज एट 1st place, सो विल राइट सी एज इट इज। सो दिस इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ एबीसी ट्रिपल डिजिट नंबर। नेक्स्ट वी विल सी ट्रिपल डिजिट नंबर फ्रॉम ऑल दिस 3 डिजिट्स, ओके। तो क्लाइंट आपको करना है क्लॉकवाइज में, ठीक है, पोजीशन को चेंज करना है, तो पहले लेंगे बी, फिर लेंगे सी, फिर लेंगे ए, सो यू विल गेट b c a, ये हो गई हमारी न्यू ट्रिपल डिजिट नंबर उन्हीं डिजिट से बनने वाली। अब इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा, 100b + 10c + a, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करो, अब पहले लेंगे सी, तो सी ए बी, ये बन गई हमारी तीसरी ट्रिपल डिजिट नंबर सी ए बी इज इक्वल टू, इसका जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे तो 100c + 10a + b, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सो यू विल गेट हियर a b c + b c a + c a b इज इक्वल टू, अब आर एच एस को ऐड करेंगे, यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ अभी, सो यू विल गेट 100a + 10b
प्लस सी प्लस 100B प्लस 10C प्लस ए प्लस 100C प्लस 10A प्लस बी इक्वल टू। एडिशन करते समय हम पहले लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 100A प्लस ए प्लस 10A, ये तीन लाइक टर्म्स है, इनको ऐड करेंगे सो यू विल गेट हियर 111A प्लस इसी तरह से 10B 100B और ए 1B इज इक्वल टू हो जाएगा 111B प्लस 100C 10C और 1C मिलकर हो जाएगा 111C। अब इन तीनों में से 111 को कॉमन निकालो सो यू विल गेट 111 इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक ट्रिपल डिजिट नंबर है उसके डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद, क्लॉकवाइज इंटरचेंज करने के बाद जो और दो नंबर मिलते हैं इन तीनों नंबर के एडिशन को 111 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और उस थ्री डिजिट नंबर के तीनों डिजिट को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उससे अगर उस थ्री डिजिट नंबर के सम को ऐड डिवाइड करोगे तो भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, 111 के फैक्टर्स अगर हम फाइंड करेंगे 111 तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 9 3 7 21 तो फैक्टर्स हो गए 3 और 37 तो 111 को हम लिख सकते हैं 3 × 37 इस तरह से इनटू ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। तो मतलब ये जो सम है इस सम को 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा, 37 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 37 से अगर डिवाइड करते हो तो 3 × ए प्लस बी प्लस सी आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप इन इसके सम को उसके डिजिट के सम से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 111। ठीक है, तो ये हमें बातें यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, उस एग्जांपल से आपको फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नंबर ली मैंने 247। ठीक है, अब इसके डिजिट से 2, 4 और 7 क्लॉकवाइज चेंज करो, फिर होगा 472 और तीसरी डिजिट बनेगी 724। अगर आप इसको इस तरह से ऐड करोगे 2, 4 और 7 इसके क्लॉकवाइज चेंज करो तो 247 पहले फिर 472 लिया फिर 724 लिया। अब ये हमें क्वेश्चन में अगर आपको पूछा कि इस नंबर को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो इसका क्वेश्चन कितना आएगा, अब इसका क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको एक्चुअल में सम करना होगा और उसको फिर 13 से डिवाइड करके देखना है, लेकिन विदाउट कंपटीशन क्विक आप इसका आंसर किस तरह से फाइंड करोगे। तो ये 13 कहाँ से आ गए, ये 13 आ गए डिजिट के सम से, 7 + 2 + 4 13 होता है, 4 + 7 + 2 13 होता है क्योंकि डिजिट तो वही है। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 111। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको पूछा कि इसको अगर 111 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आएगा, तो क्वेश्चन आ जाएगा डिजिट्स की सम 7 + 2 + 4 दैट इज आंसर विल बी 13। सो ये हो गया इसका यूज, समझ में आया। अब इसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो अभी हम आगे देखेंगे, वी विल सी नाउ एक्सरसाइज 5.1 जो लिए मैंने कोल्डा के बुक से। तो क्वेश्चन 3 इज दैट विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कॉम्पिटिशन फाइंड द क्वोशेंट ऑफ 95 - 59 इज डिवाइडेड बाय। तो हमें क्या करना है कि 95 - 59 के सब्ट्रैक्शन को पहले 9 से डिवाइड करना है, हमें क्वोशेंट बताना है, फिर 4 से डिवाइड करना है, क्वोशेंट बताना है, लेकिन ये करते समय हमें वहां पे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, 95 - 59 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो क्वोशेंट कितना आना चाहिए। इसके लिए हमने रूल सीखा है, रूल क्या है, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 9 × (ब्रैकेट में सीखा है ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला है। अब आपको ए बी माइनस बी ए को अगर 9 से डिवाइड करना है तो क्वोशेंट आता है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है, यहाँ पे देखो 9 5 5 नहीं, डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो हमें डिजिट नंबर मिले वही है ना, जैसे 59 नंबर है उसके डिजिट को इंटरचेंज करो तो 95 है। अब इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट आएगा उनके डिजिट की सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पे जो डिजिट है 9 और 5 इसको सब्ट्रैक्शन करो तो आंसर आ गया 4।
ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे ना इनकी सब्ट्रैक्शन की ना एक्चुअली डिवाइड करके दिखाना इनसे, ठीक है। अब अगर दूसरे में आपको पूछा है, दूसरे में क्या पूछा है कि 95 माइनस 59 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा। अब 4 से क्यूब डिवाइड किया, यहाँ पे देखो कि 9 माइनस 5 4 होता है, तो 4 से अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ए बी माइनस बी ए को ए माइनस बी से सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्वेश्चन आता है 9, सो दैट विल बी इक्वल टू हियर 9। अभी यहाँ पे आप किसी भी तरह से एग्जाम्पल्स को कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन में मैं आपको पूछा है एक अलग से, जैसे 97 माइनस 79 इसको अगर मैंने आपको बोला 2 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन कितना आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन विल बी हियर 9। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल्स को आप कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कॉम्पिटिशन फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द सम ऑफ 79 एंड 97 इज डिवाइडेड बाय 11 एंड 16। यानी पहले हमें क्या करना है, नंबर वन में 79 और 97 के सम को 11 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद क्या क्वेश्चन रहता वो पूछा है। नंबर टू हमें पूछा है कि अगर 79 और 97 के सम को अगर 16 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आता है। लेकिन ये करते समय यहाँ पे हमें कॉम्पिटिशन नहीं करना है, मतलब इसके एडिशन दिखाई फिर 11 से डिवाइड किया आंसर निकाला वो नहीं करना है। तो हमें विदाउट कॉम्पिटिशन इसका हमें आंसर फाइंड करना है, वो कैसे। अब उसके लिए हमने रूल देखा है, रूल क्या है कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू होता है 11 इंटू ए प्लस बी। यानी एक नंबर उसके डिजिट्स को, एक टू डिजिट नंबर और उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलती है वो उनकी एडिशन 11 से डिविजिबल होती है और उनकी एडिशन उस नंबर के डिजिट के सम से डिवाइड होती है। अगर आप 11 से डिवाइड करते हो, ए बी प्लस बी ए को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन आएगा ए प्लस बी, और अगर आप ए बी प्लस बी ए टू डिजिट के सम को अगर आप ए प्लस बी से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन मिलेगा आपको 11। अब यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लो कि यार डिजिट इंटरचेंज करने के बाद वही नंबर आई है दूसरी वाली, 79 के डिजिट इंटरचेंज करो तो 97 मिलता है, तो यहाँ पे ये रूल लागू होता है। अब 11 से अगर डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आता है डिजिट की सम, यानी 7 प्लस 9 हो गया 16, तो ये हो गया क्वेश्चन। और अब अगर 16, यानी 16 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसके डिजिट की सम 16 है, 16 से अगर डिवाइड करोगे यानी डिजिट के सम से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा 11। तो इस तरह से ये हमें रूल यहाँ पे लगा के इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द क्वेश्चन इफ द सम ऑफ द नंबर्स 784 एंड टू अदर नंबर्स ऑब्टेन बाय अरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ 784 इन साइक्लिक ऑर्डर इज डिवाइडेड बाय 111, 37 और 19। अब ये क्वेश्चन क्या है समझ लो, पहले हमारे पास एक नंबर दिया है 784। 784 में डिजिट्स कौन से है वो देखो, 7, 8 और 4 है। तो अगर हम इस तरह से इसको साइकिल में इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, तो हमें एक नंबर 784 है, बाकी बचे हुए हमें दो नंबर यहाँ पे फाइंड करने हैं साइक्लिक ऑर्डर से। तो पहले 7, 8, 4, 7 हो गया, अब 8 लो पहले, तो 8, 4, 7 हो जाएगा, 8, 4, 7 प्लस थर्ड नंबर के लिए पहले आप 4 लेंगे, 4, 7, 8, ये हो गया साइक्लिक ऑर्डर में बाकी के दो नंबर हमने फाइंड किए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा है कि इसके सम को अगर आप 111 से डिवाइड करते हो तो हमें क्वेश्चन कितना आएगा वो पूछा है, लेकिन यहाँ पे हमें कंपटीशन नहीं करना है, इसका आंसर ओरली बताना है। अब इसके लिए रूल क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो जो डिजिट नंबर्स फॉर्म हुए हैं वो डिजिट्स को रीअरेंज करने के बाद हुए है साइक्लिक ऑर्डर में। जैसे हमारे पास रूल है, तीन नंबर है ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, ये ट्रिपल डिजिट के तीन नंबर है, और नंबर ऐसे फॉर्म हुए दूसरी और तीसरी कि डिजिट्स वही है सिर्फ साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज किया है। दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इनके सम को 111 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप इसके सम को उनके डिजिट के सम से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा 111। यानी ये हो गया नंबर 1, क्या हो गया ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी को अगर आप डिवाइड करोगे 111 से, सो क्वेश्चन विल बी ए प्लस बी प्लस सी। नंबर 2 में हमने क्या सीखा है,
अगर ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी के सम को अगर आप उनके डिजिट के सम से डिवाइड करते हो तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 111। बट इट अब 111 के फैक्टर से 3 × 37, तो 111 की जगह हम लिख सकते हैं 3 × 37 भी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब सबसे पहले हमें इसका क्वेश्चन फाइंड करना है, तो क्वेश्चन क्या आता है, 111 से डिवाइड करोगे तो डिजिट की सम आता है। अब यहाँ पे डिजिट है 7, 8 और 4, इनकी सम करो, सो यू विल गेट 8 + 4 = 12, 12 + 4 = 19, तो क्वेश्चन इज 19। ओके, अगर आप 37 से डिवाइड करोगे, जो मैं आपको बताने वाला था, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 111 है इसके फैक्टर है 3 × 37, ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको 37 से डिवाइड करना है, तो इसके सम को अगर 37 से डिवाइड करोगे, यानी ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी को अगर 37 से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 37 को एलएचएस में आया तो उधर क्या बच गया, 3 × (a+b+c)। ठीक है, यही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता 784 + 784 + 847 + 478, इसको डिवाइड करो आप 37 से, सो योर आंसर विल बी, आंसर क्या आता है, 3 × sum of digits, सो 3 × (ब्रैकेट में sum of digits) 7 + 8 + 4 = 3 × 19 = आंसर आ गया 57। और थर्ड है हमें 19 से डिवाइड करना है, नंबर थ्री में अगर आप 19 से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 111। वो कैसे, यहाँ पे आप देखो, फिर से मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, आप 19 से डिवाइड करना है, यानी डिजिट के सम से डिवाइड करना है, तो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी को अगर डिजिट के सम से डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन आएगा 111। सो 784 + 847 + 478 को अगर आप डिवाइड करते हो ए बी ए प्लस बी प्लस सी, यानी डिजिट के सम से, और डिजिट के सम है 19, तो 19 से अगर आप डिवाइड करते हो तो क्वेश्चन आएगा आपका 111। तो इस रूल का यूज करने के बाद हम इस तरह से कोई भी एग्जांपल्स को बिना कंपटीशन करके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट?